आप सभी को मैं नमस्कार। मेरा आज का वीडियो कुंडली एप्लीकेशन से जुड़ा है, जिसमें मैं आपको एक बेहतरीन कुंडली एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल पर ही किसी की भी कुंडली मिला सकते हैं, किसी का भी कुंडली मिलान कर सकते हैं, किसी का भी राशिफल देख सकते हैं, पंचांग देख सकते हैं, मतलब आप उस एप्लीकेशन के द्वारा कुछ भी देख सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी कुंडली देखने का बहुत शौक है या राशिफल देखने का बहुत शौक है, लेकिन उनको कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं मिलती जिसके माध्यम से वो ये सब अपने मोबाइल पे देख सके। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, उसे अब तक कई मिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं और उसका यूज कर रहे हैं। और जो मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ये हिंदी में है। आप चाहो तो उसे किसी और भाषा में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मेन टॉपिक मेरा हिंदी है, तो मैं आपको हिंदी से जुड़ी वो एप्लीकेशन देने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ कुंडली से जुड़ी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ रेड बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए कुछ ऐसे वीडियो देता हूँ जो आप सभी के लिए बहुत काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कुंडली एप्लीकेशन का टॉपिक। अपने मोबाइल पर ले जाने से पहले मैं आपको उसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। जो मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, उसमें आप खुद की कुंडली बना सकते हो, किसी कुंडली मिलान कर सकते हो, डेली का राशिफल देख सकते हो, पंचांग देख सकते हो। उसमें आपको लाल किताब से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। उसमें आपको पूरे साल का कैलेंडर मिलेगा, यानी बहुत कुछ उसके अंदर आपको मिलने वाला है। यानी आपको उस एप्लीकेशन में एक से बढ़कर एक जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए अब मैं सीधा आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ उस एप्लीकेशन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में और उसको यूज करने के बारे में। तो चलिए सीधा हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। ये हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए। अब मैं आपको पहले प्ले स्टोर ओपन करके उस एप्लीकेशन का व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन ओपन करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये वो एप्लीकेशन है एस्ट्रोसैंक कुंडली। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे दे दूंगा, आप चाहें तो वहां क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अब तक देखिए 5 मिलियन लोग यूज कर चुके हैं, यानी डाउनलोड कर चुके हैं। यह एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसमें आपको बहुत कुछ मिलता है, हर तरह की जानकारी आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाती है। ये हिंदी के अलावा इंग्लिश और भी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये एप्लीकेशन पहले से अपने मोबाइल में स्टोर कर रखी है, तो मैं सीधा इसको ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन कुछ इस तरह आएगी। हो सकता है आपके सामने लैंग्वेज का भी ऑप्शन आए, आप वहां से अपनी मनपसंद भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल हिंदी को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये मुझे हिंदी में ही पूरे फीचर्स दिखा रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कुंडली आ रहा है, कुंडली मिलान आ रहा है, राशि फल आ रहा है, फलादेश आ रहा है, पंचांग आ रहा है, प्रश्न पूछे आ रहा है, केपी सिस्टम, दार किताब, वर्ष फल, वार्षिक कैलेंडर, एक्स्ट्रोस्कोप, ज्योतिषी सीखें और मुफ्त मैट्री मनी। ये काफ़ी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। आप किसी भी चीज़ का यूज बहुत ही आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कुंडली बनानी है, तो आप सीधा कुंडली पे क्लिक करें। कुंडली में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना नाम डालना है। मैं फिलहाल यहाँ अपना ही नाम डाल लेता हूँ। यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ डालें, मैं फिलहाल यहाँ कुछ भी डाल लेता हूँ, जैसे कि अगस्त में ही हम कोई पुरानी डेट ले लेते हैं। इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। यहाँ आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं हरिद्वार से हूँ तो मैंने हरिद्वार को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ आप स्थान खोजें, यहाँ आप अपना वो जगह लिखे जहाँ आप पैदा हुए थे। तो मैं हरिद्वार में हुआ हूँ, तो मैं यहाँ हरिद्वार लिखता हूँ। ये देखिए हरिद्वार आ गया है, इसको मैंने हरिद्वार सेलेक्ट कर दिया। आप यहाँ पुरुष या स्त्री जो भी आप हैं वो लिखिए, तो मैंने यहाँ पुरुष सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद यहाँ ऊपर आपका टाइमिंग आ रहा है, आप अपने हिसाब से कोई भी टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको डेमो दिखा रहा हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ कोई यहाँ टाइमिंग नहीं देने वाला हूँ। तो सब सेटिंग करने के बाद नीचे आप कुंडली दिखाइए पे क्लिक करिए। अब आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। ये देखिए आपके सामने पूरी कुंडली आपकी ओपन हो जाएगी। ये देखिए, मतलब सभी कुछ आपको उसमें मिलने वाला है, जो भी आपको चाहिए वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा।
काफी कुछ है इसके अंदर, आप अपनी कुंडली अपने मोबाइल पे ही देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ ऊपर क्लिक करते हैं, ऊपर क्लिक करके आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप पंचांग भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपको पंचांग देखना है तो पूरी आपको पंचांग की डिटेल यहाँ मिल जाएगी। आपको जो भी चाहिए आपको वो सब कुछ इस कुंडली के अंदर मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं बैक करता हूँ। यहाँ देखिए कुंडली मिलान, जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ आप दो जनों का कुंडली मिलान बहुत ही आराम से कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ से बैक आ जाता हूँ। यहाँ आपको राशिफल मिलेगा, आप अपने हिसाब से यहाँ दिल्ली की राशि चेक कर सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। जैसे कि मान लिया मेरी कुंभ राशि है तो मैं सीधा इस पर क्लिक करूंगा तो जो आपके सामने उसे मैसेज आएगा, आप चाहें तो उसे यस कर सकते हैं, चाहे तो नो कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको नो कर रहा हूँ, अभी लोडिंग हो रहा है। ये देखिए एक कुंभ राशि का राशिफल यहाँ आ चुका है। जिससे आप डेली न्यूज़पेपर में राशिफल देख सकते हो, उससे बेटर है आप इस एप्लीकेशन पे राशिफल देखें। यहाँ आपको सभी के राशिफल मिल जाएंगे। यहाँ आपको और भी चीजें मिलती है, जैसे कि पंचांग हो गया, पंचांग खोल के आप पूरा पंचांग यहाँ देख सकते हैं, किसी भी तारीख का, किसी भी दिन का। फिलहाल मैं यहाँ से बैक करता हूँ। इसके बाद आता है लाल किताब। लाल किताब पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से लाल किताब के अनुसार कुंडली बना सकते हैं। मैं फिलहाल इसको बैक कर रहा हूँ। अगर आप कैलेंडर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ वार्षिक कैलेंडर पे क्लिक करके पूरा कैलेंडर देख सकते हैं। इसमें देखिए हिंदू कैलेंडर, मतलब हर तरह के इसमें कैलेंडर अवेलेबल हैं। जैसे मैं मान लिया हिंदू कैलेंडर पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरी डिटेल यहाँ इसने मुझे खोल के दे दी है। तो फिलहाल मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ। यह कुंडली की एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, आप इसका यूज जरूर करें क्योंकि इसमें आपको रोज कुछ ना कुछ नया मिलता है। लाल किताब के अलावा इसके अंदर आपको केबी सिस्टम से जुड़ी कुंडली बनाने का भी मौका मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करके इनसे जुड़ी कुंडली भी इसमें बना सकते हैं। काफी कुछ चीजें इसके अंदर दी हुई हैं, अपने हिसाब से आप कुछ भी इसमें से यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी शादी के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको पूरा एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मैं आपको फिलहाल दिखा देता हूँ, फॉर्म खुल गया जहाँ आप अपनी सभी डिटेल भर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ से बैक आ रहा हूँ। इस एप्लीकेशन के द्वारा आपको बहुत सी जानकारी मिलने वाली है, तो आप इस एप्लीकेशन का यूज जरूर करें। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही एप्लीकेशन लाता रहूंगा जो आप सभी काफी काम की साबित होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर कोई इस एप्लीकेशन का यूज कर सके और अपने मोबाइल में अपनी खुद की कुंडली बना सके, अपना खुद का राशिफल देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।